हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधि किचन। आज हम बनाने वाले हैं ठेले वाली भेलपूरी, जो बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी है। ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होती है, तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए है परवल, इसे मुरमुरा भी बोलते हैं। अब मैंने लिए दो कटी हुई हरी मिर्च, ये मैंने लिए है नमकीन, हरा धनिया ले लेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ, दो प्याज को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, ये मैंने एक टमाटर लिया है इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैंने लिए मूंगफली के दाने रोस्ट किए हुए, ये लिए मैंने चना दाल, ये लिए मैंने थोड़ी सी मिक्स भुजिया और इमली की चटनी, ये है चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये लिया है मैंने काला नमक, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये सभी इंग्रेडिएंट्स से आज हम भेलपूरी बनाकर आपको बताएंगे। आप इसमें से जो भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लेना चाहते वो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बाउल में प्याज डाल दूंगी। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, दो टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी इमली की चटनी, इससे खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमकीन, मूंगफली के दाने रोस्टेड किए हुए, चना दाल इसको हम बख्तर दाल भी कहते हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें डाल देंगे भुजिया, जो मिक्स वाले नमकीन है वो। अब डाल देंगे इसमें चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर और ये मिल लिया है काला नमक, इससे पेट भी साफ रहता है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग सा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे परवल और इस बाउल का ढक्कन लगाकर हम इसे थोड़ी देर हिला लेंगे ताकि ये सभी सामान अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कितना अच्छा हमारा इसका कलर आया है और कितना टेस्टी अमेजिंग से हमारी ये भेलपूरी बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी नींबू और ये मैं लिए शुगर पाउडर थोड़ा सा, इससे खट्टा मीठा टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ठेले वाले जो भेलपूरी बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हमारी भेलपूरी बनकर बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा और इसे डेकोरेट कर देंगे, थोड़े से भुने मूंगफली के दाने, थोड़े से चना दाल और थोड़े से नमकीन डालकर मैं इसे ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी भेलपूरी बनकर बिल्कुल रेडी हुई है। ठेले वाले बिल्कुल भेलपूरी ऐसे ही बनाते हैं। आपको मेरी भेलपूरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के कोई पैसे ही नहीं लगते, ये बस मुझे सपोर्ट करने के लिए है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये भेलपूरी वाली रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।